अल्फाबेट सीरीज की हम बात कर रहे हैं और एक के बाद एक शब्दों को सुनते हुए, एक के बाद एक शब्दों से बोध लेते हुए, एक के बाद एक शब्दों को जानते हुए, एक के बाद एक शब्दों से कुछ न कुछ समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और ए से शुरू हुई हमारी यात्रा टी तक पहुंच गई। एक एक वर्ड हमें क्या संदेश देता है, क्या सिखाता है, क्या समझाता है, क्या बताता है कि जीवन कैसा होना चाहिए, लाइफ कैसी होनी चाहिए, लाइफ को अलग अलग प्रकार से समझने की शिक्षा ये हमें एक एक वर्ड देता है। और टी के बाद आने वाला वर्ड कौन सा है भाई, कौन सा? यू। और यू ये सिखाता है अनलॉक योर लाइफ। जीवन जो बंधा हुआ है, जीवन जो कहीं ना कहीं पकड़ा हुआ है, जीवन में कहीं ना कहीं ताला लगा हुआ है और कुंजी खो गई ही है, ऐसे हमारे जीवन के हालात है, बराबर समझना। आज संसार में उठा करके किसी के भी जीवन को देख लो, आपको प्रतीत होगा, आपको पता चलेगा, आपको ज्ञात होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि ताला तो है लेकिन कुंजी खो गई है, कुंजी हमारे पास नहीं है। लाइफ के लॉक को खोले कैसे, क्या करें कि वो ताला खुल जाए? जो ताला खोलने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, जो ताला खोलने के लिए ये जीवन मिला है, एक बार बराबर समझना। परमात्मा महावीर ने मनुष्य जन्म को इसलिए महत्वपूर्ण बताया और इसलिए अद्भुत बताया क्योंकि यहां आकर के आप ताला खोल सकते हो। अन्य गतियों में आप चले जाओ, ताला खोलने की कोई सुविधा नहीं आपके पास, न वहां ज्ञान होता है, न वहां समझ होती है, न वहां शांति होती है, न कोई प्रेरणा करने वाला होता है, न कोई समझाने वाला होता है, न कोई बताने वाला होता है, न कोई कहने वाला होता है, न कोई मार्ग दिखाने वाला होता है, न कोई सिखलाने वाला होता है, अन्य गतियों में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये मनुष्य जन्म ऐसा है, ये मनुष्य जीवन ऐसा है जहां आकर के आप ताला खोल सकते हो, इसलिए परमात्मा महावीर ने मनुष्य जीवन की इतनी महत्वता बताई। और मैं तो कहता हूं मात्र परमात्मा महावीर ने नहीं, संसार के सभी धर्मों ने बताया कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, सार्थक करना है दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि यहां आकर के आप ताला खोल सकते हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं अनलॉक योर लाइफ। लाइफ जो बंधी हुई है, कहीं ना कहीं से हम बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं से हम पकड़े हुए हैं, हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते, जीवन को जी नहीं पाते। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समझो, जागो और जीवन में आगे बढ़ो, समझो, जानो और जीवन में आगे बढ़ो, तभी जाके अनलॉक आपकी लाइफ हो पाएगी। और ये मनुष्य जीवन में आकर के बराबर कान खोलकर सुन लेना, ये मनुष्य जीवन में आकर के भी आप लाइफ को अनलॉक नहीं कर पाए तो अन्य कोई भी भाव में आप जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, अन्य कोई भी भाव में आप जीवन को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। अनलॉक योर लाइफ। यू ये सिखाता है कि कुंजी खोज लो। तो हमारे पास ताला तो है लेकिन कुंजी नहीं है। और कुंजी खोजने के लिए तीन यू की बात करी कि बराबर समझना, आपके जीवन में यदि तीन यू मौजूद है तो निश्चित तौर पर आप कुंजी खोज पाओगे। और तीन यू यदि आपके जीवन में नहीं है तो कुंजी आपको नहीं मिल सकती, कुंजी आपको प्राप्त नहीं हो सकती। और इसीलिए चाबी खोजने की बात है, चाबी को खोजना है तो तीन यू हमारे जीवन में लाने पड़ेंगे। कहा नंबर वन, यूनिटी। यूनिटी यानी सामंजस्य, एकता। तीन यू यदि आपके पास है, आपके जीवन में है तो निश्चित तौर पर आप चाबी को खोज लोगे, आपकी लाइफ को अनलॉक कर पाओगे। यदि तीन यू आपके जीवन में नहीं है तो आप चाबी नहीं खोज पाओगे। नंबर वन यूनिटी। कौन सा शब्द बताया? आवाज नहीं आई, कौन सा शब्द? यूनिटी। कहा जीवन में एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। मैं तो कई बार कहता हूं कि आज का समय ऐसा है, यदि आज के समय में आपको सुख शांति से जीना है तो जीवन में दुश्मन कम बनाओ और दोस्त ज्यादा बनाओ। जितने दुश्मन बढ़ते जाएंगे उतनी आपके जीवन की अशांति बढ़ती जाएगी। कौन व्यक्ति कब शक्तिशाली बन जाए पता नहीं चलता। जो व्यक्ति आज तुच्छ हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं हो, 5 साल में वो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाए और समाज में वैल्यूएबल इंसान हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता। और इसीलिए हमारे गुरु प्रेम का यह संदेश था कि जीवन में दुश्मन मत बनाओ, दोस्त बनाओ। हो सके उतने दोस्त बनाओ, हो सके उतने अपने प्रेमी बनाओ, हो सके उतने अपने को सहाय करने वाले लोग बनाओ, तभी जाके जीवन सरलता से परिपूर्ण होगा। एक बात बराबर समझ लेना,
मैं तो कई बार कहता हूं कि ये जो जीवन चल रहा है आप ये मत भूल करना। आज का आदमी ये सोचता है कि मेरी वजह से कई लोगों का जीवन चल रहा है, बराबर समझना। आज का इंसान ये सोचता है कि मेरी वजह से कई लोगों का जीवन चल रहा है, लेकिन परमात्मा महावीर हमें ये संदेश देते हैं कि कई लोगों की वजह से तेरा जीवन चल रहा है। कई लोग जब तुझे सहायभूत होते हैं, तुझे हेल्पफुल होते हैं, तेरे लिए कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं, तेरे लिए कहीं ना कहीं सोचते हैं, तुझे कहीं ना कहीं सहायता करते हैं, तब जाके तेरा जीवन शांति से चलता है, बराबर समझ लेना। आज के आदमी की ये भ्रमणा है कि मेरी वजह से अनेकों का जीवन चलता है, परिवार मेरी वजह से चलता है, समुदाय मेरी वजह से चलता है, संघ मेरी वजह से चलता है, शासन मेरी वजह से चलता है, समाज मेरी वजह से चलता है। आज का आदमी ये भ्रमणा में रहता है कि मेरी वजह से कई लोगों का जीवन चलता है, लेकिन परमात्मा महावीर ये कहते हैं कि बराबर समझ लेना, कई लोगों की वजह से, कई लोगों के उपकारों से तेरा जीवन चलता है। यदि जीव उपकार करना छोड़ दे, लोग उपकार करना छोड़ दे, तो आपका जीवन दुष्कर हो जाए, आपका जीवन जीना नामुमकिन हो जाए। और इसीलिए मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे मेल बना करके चलिए, जीवन में दुश्मन न बनाए, जीवन में हो सके उतने दोस्त बनाए। सभी की सहायता चाहिए, सभी की जरूरत पड़ सकती है जीवन में। ये छोटा सा जीवन है, लेकिन ये छोटे से जीवन में अनेकों लोगों की हमें जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे मेल बना करके चलिए, यूनिटी। यू हमें ये सिखाता है कि जीवन में यूनिटी निश्चित तौर पर बना करके रखिए। परिवार के साथ आपका मेल होना चाहिए, समाज में आपका मेल होना चाहिए, संघ में आपका मेल होना चाहिए, आसपास के लोगों के साथ आपका मेल होना चाहिए। लेकिन आज की हमारी परेशानी यह है कि हम दुनिया के साथ बना लेते हैं, लेकिन घर के लोगों के साथ नहीं बना पाते। आज के आदमी की करुणता है, बाहर उसकी नाम ना हो, बाहर उसकी वाहवाही हो, बाहर लोग उसकी पूजा करते हो, बाहर लोग उसका बहुमान करते हो, सम्मान करते हो, लेकिन परिवार वाले गाली देते हो, ऐसा भी तो होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुरुआत घर से करिए, शुरुआत परिवारजनों से करिए, शुरुआत आस पड़ोस के लोगों से करिए, मेल बनाना शुरू कीजिए, सबको साथ लेकर के चलिए, सबसे मेल बना करके चलिए, तभी जाकर जीवन आसानी से परिपूर्ण हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये यू हमें सिखाता है, अनलॉक योर लाइफ। जीवन की कुंजी खोज लेनी है, जीवन की चाबी खोज लेनी है। ताला तो हमारे पास है, लेकिन चाबी हमारे पास नहीं। नंबर वन क्या बताया? यूनिटी। नंबर टू यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी उपयोग, पूरा उपयोग, पूर्ण उपयोग। जो चीज आपको जीवन में प्राप्त हुई है उसका पूर्ण उपयोग कर लीजिए, कुछ भी बाकी न रखें। आज के आदमी की परेशानी यह है, वो बाकी रखकर जीवन जीता है, कल का ज्यादा सोचता है, आज का कम सोचता है। अरे मैं तो कहता हूं कि जीवन को भरपूर जियो, कुछ भी बाकी ना रखो, जीवन में भरपूर आनंद करो, जीवन में भरपूर मस्ती लाओ। जीवन को भरपूर जीना है, बाकी रखकर नहीं जीना, क्योंकि कल का कुछ भी भरोसा नहीं है। यूटिलिटी, आप जो इस्तेमाल करना चाहो कर लो, जितना मिला है उसको सार्थक कर लो, जितना मिला है उसका उपयोग कर लो, बचा करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और बचा कर हम कितना बचा पाए, न हम हमारी सांस बचा पाते हैं, न हम हमारा समय बचा पाते हैं, न हम हमारी संपत्ति बचा पाते हैं, न हम हमारा शरीर बचा पाते हैं, क्या बचा पाते हैं, बचाने को कुछ भी नहीं है हमारे पास। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भरपूर जो करो, भरपूर करो, जीवन भरपूर जियो। अफसोस न रह जाए कि बाकी रह गया, अफसोस न रह जाए कि ये चूक गया, अफसोस न रह जाए कि ये करना बाकी रह गया। और मैं आपको बता दूं कि आज के समय में 99.99% लोग अफसोस के साथ मरते हैं। इतना कुछ था लेकिन बाकी रह गया, सब कुछ कर लिया लेकिन जीवन जीना बाकी रह गया, सब कुछ कर लिया लेकिन जीवन का आनंद लेना बाकी रह गया, सब कुछ कर लिया लेकिन जीवन में मस्ती नहीं ले पाया, सब कुछ कर लिया लेकिन जीवन को भरपूर जी नहीं पाया। मैं कहता हूं कि बाकी मत रखो, भरपूर जियो। ये जीवन अद्भुत है,
और ये ऐसा जीवन है यहाँ कुछ भी बचाया नहीं जा सकता, आप कुछ भी बचा नहीं सकते, न समय न शब्द न संपत्ति, कुछ भी बचा नहीं सकते। जो है उसका इस्तेमाल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए और भरपूर जीवन जिए, क्योंकि कहा जाता है कि कल हो न हो, आने वाली कल आए ना आए, हमको कहाँ पता है, कौन जानता है कि कल आएगी या नहीं आएगी। अरे कल की बात छोड़ो, अगली पल आएगी कि नहीं आएगी किसको पता है, छोड़ो कल की बातें, कल आएगी नहीं आएगी तो बहुत दूर की बात है, अगली पल आएगी या नहीं आएगी हमको नहीं पता। इसलिए भरपूर जीवन जिए, भरपूर आनंद कीजिए, कुछ भी बाकी न रखिए। नंबर वन यूनिटी, नंबर टू यूटिलिटी एंड नंबर थ्री यूनिकनेस। यूनिकनेस यानी कुछ अलग, कुछ जुदा, कुछ डिफरेंट। एक चीज समझना, मैंने परसों ही अखबार में पढ़ा कि ये संसार में एक भी इंसान ऐसा नहीं हो जिसके भीतर कोई सद्गुण ना हो। बराबर समझना, यह संसार में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके भीतर कोई सद्गुण ना हो, जिसके भीतर कुछ यूनिकनेस ना हो, जिसके भीतर कुछ अद्भुत ना हो, जिसके भीतर कुछ अलग ना हो, ऐसा एक भी इंसान ये संसार में नहीं है। आपको लगता हो तुच्छ से तुच्छ इंसान, आपको लगता हो छोटे से छोटा इंसान, आपको लगता हो बोने से बोना इंसान, आपको लगता हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई औकात नहीं है, आपकी नजर में जिसकी कोई कक्षा नहीं है, वो इंसान के भीतर भी कुछ ना कुछ यूनिकनेस है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के भीतर क्या यूनिकनेस है ये ढूंढ पाए न ढूंढ पाए दो नंबर की चीज है, लेकिन हमारे भीतर क्या अनूठा है उसको ढूंढ लेना हमें तो हमारा सोचना, हमारा विचार करना है, पहले हमारे लिए सोचना है। और मैं आपसे इसलिए ये कहना चाहता हूं कि हमारे भीतर क्या अच्छा है ये सोच लेना, ये खोज लेना। आपकी क्वालिटी क्या है, आपके भीतर भी एक क्वालिटी रही हुई है। बराबर समझना, जीवन में कभी ये मत सोचना कि मेरे भीतर कुछ भी खास नहीं है, मैं बहुत एवरेज इंसान हूँ ये मत सोचना, मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ ये मत सोचना। आप भीतर जाओगे, आप ध्यान की यात्रा में प्रवेश करोगे, आप अपने भीतर चले जाओगे, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे, आप थोड़ी से धर्म का श्रवण करोगे, आप कहीं ना कहीं जीवन में धर्म को लाओगे, या तो अपने भीतर जाने की कोशिश करोगे, आत्मा के नज़दीक जाने की कोशिश करोगे, आप निश्चित तौर पर खोज पाओगे कि आपके भीतर अनूठा क्या है, क्या शक्ति है आपके भीतर। आपको कभी कभी प्रतीत होगा कि मैं परमात्मा भक्ति करने बैठता हूं तो पता नहीं एकाकारता आ ही जाती है, मैं गुरुओं के पात्र में जब गोचरी बहराता हूं तो पता नहीं एकाकारता आ ही जाती है, आनंद आ ही जाता है। जब मैं सामयिक लेकर के माला लेकर के बैठता हूं, जाप करने के लिए बैठता हूं तो कहीं ना कहीं एकाकारता आ ही जाती है। जब स्वाध्याय में डूब जाता हूं तो कहीं ना कहीं एकाकारता आ ही जाती है। अपने जीवन का एक खास पल ढूंढ लेना जिसमें आप आनंदित होते हो, जिसमें आप आनंदित होकर आगे बढ़ सकते हो। यूनिकनेस आपके भीतर कुछ अनूठा है, आप वेस्ट नहीं हो, आपके भीतर कुछ वेस्ट है, आपके भीतर कुछ खास है। संसार भले ही ना कहता हो कि तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है, संसार में कई लोग ऐसे भी लगे जो आपके मोरल को तोड़ेंगे, आपको डाउन करेंगे। और मैं आपको बता दूं, संसार में 80% लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि आसपास में मोरल को तोड़ने वाले लोग बैठे हुए हैं। तेरे से तो कुछ होना ही नहीं है, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तेरे में तो दिमाग ही नहीं है, तेरे में कुछ है ही नहीं, ऐसा कह करके मोरल डाउन करने वाले लोग ना हो ना आसपास में, तो संसार में 80% लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में शायद मोरल डाउन करने वाले मिल जाएंगे कि अरे आपसे क्या होना है, कुछ नहीं होना है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अपने आप की खोज करना, अपने भीतर में जाना, चाहे बच्चे कहते हो कि आपके भीतर कुछ भी नहीं है, चाहे आस पड़ोस वाले कहते हो, चाहे परिवार वाले कहते हो, चाहे सभी दुनिया एक आवाज से कहती हो कि आपके भीतर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आपके भीतर कुछ खास है, बस हमें उसे ढूंढना है।
यूनिकनेस आपके भीतर है। संसार में एक भी इंसान ऐसा खोजा नहीं जा सकता जिसके भीतर कुछ अच्छाई नहीं हो, जिसके भीतर कुछ सद्गुण नहीं हो, जिसके भीतर कुछ यूनिकनेस नहीं हो। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन में अपने यूनिकनेस को ढूंढिए, अपनी खोज कीजिए। दुनिया में बहुत कुछ खोज लिया लेकिन अपने आप को नहीं खोज पाए, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने आप को खोजिए। अनलॉक योर लाइफ। और जीवन की कुंजी कहाँ है, जीवन की चाबी कहाँ है, खोजनी पड़ेगी। 3 U आपके जीवन में निश्चित तौर पर होने चाहिए। सबसे पहले नंबर में, सभी साथ में मिलकर, पहले नंबर में यूनिटी, नंबर 2 यूटिलिटी, एंड नंबर 3 यूनिकनेस। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।